okay, light painting, product photography in just 5 minutes. जल्दी से चलो बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं। ओके, सो सबसे पहले आपको चाहिए एक फोन जिसमें फ्लैशलाइट हो। सेकंड, आपको चाहिए कुछ कैप्स, कलरफुल कैप्स चाहिए, जैसे रेड, ब्लू, ग्रीन, जो भी। फिर उसके बाद चाहिए आपको आपका प्रोडक्ट, जो कि थोड़ा सा ग्लॉसी होना चाहिए और थोड़ा सा ग्लास का बना जाए कलरफुल, ताकि वो प्रोडक्ट दिखने में अच्छा लगे फोटोज में। फिर उसके बाद आपको चाहिए एक कैमरा। कैमरा अगर आपके पास नहीं है तो आप फ़ोन भी यूज़ कर सकते हो, जिसमें मैनुअल या फिर प्रो मोड हो या फिर प्रोफेशनल मोड हो, व्हाटएवर। फिर आपको चाहिए थोड़ा सा न्यूज़पेपर या फिर कोई भी पेपर जो कलरफुल हो, ब्लैक हो, वाइट हो, कुछ भी हो, बस बैकग्राउंड बनाने की। फिर आपको चाहिए कोई भी एक चीज़ जिससे आप आपका फ़ोन या कैमरा जो है वो स्टडी रख सके, बिकॉज लाइट पेंटिंग में आपका कैमरा या ऑब्जेक्ट या बैकग्राउंड कुछ भी हिलना नहीं चाहिए। वो इसलिए मैंने यूज़ किया सॉस पैन, क्योंकि मेरा बजट कम था। अगर आपका बजट ज़्यादा है तो आप प्रेशर कुकर भी यूज़ कर सकते हो। बस यही सामान आपको चाहिए। उसके बाद आपको चाहिए एक लोकेशन, मैंने यूज़ किया सोफ़ा। फिर न्यूज़पेपर से एक बैकड्रॉप बना दिया, यानी कि बैकग्राउंड जिस पे आप आपका प्रोडक्ट रखोगे। कि जस्ट सामने मैंने एक टेबल यूज़ किया, उस टेबल पे मैंने अपना सॉस पैन रख दिया, ताकि मेरे को एक प्रॉपर पर्सपेक्टिव मिले। प्रोडक्ट ना ज़्यादा ऊपर हो, ना ज़्यादा नीचे हो, ना लेफ्ट ना राइट, बिल्कुल सेंटर। देन आपको कुछ एसेंशियल सेटिंग्स है जो करनी रहेंगी आपकी कैमरा में, अगर आप एक DSLR यूज़ कर रहे हो तो। सबसे पहले आपके कैमरा को मैनुअल फोकस में डालना है, ताकि आपका जो फोकस है वो ऑटोमेटिकली इधर उधर शिफ्ट ना हो, आपके प्रोडक्ट पर ही बना रहे। सेकंड चीज़, आपको रॉ पे शूट करना है, ताकि आपकी फोटो पोस्ट प्रोडक्शन में एडिट अच्छी हो। थर्ड, आपको एक टाइमर सेट कर देना है, अराउंड 2 सेकंड्स का या 5 सेकंड्स का या 10 सेकंड्स का, क्योंकि जब भी आप शटर बटन को क्लिक करते हो तो आपका कैमरा थोड़ा बहुत हिल सकता है। तो आपके क्लिक करने के 2 सेकंड बाद आपका जो फोटो खींचने का प्रोसेस है वो शुरू होगा, तो आपको एक टाइमर सेट कर लेना है। ओके, सो मैं आपको अभी ये सेटिंग्स बता देता हूँ। आपको आपके कैमरा में जो शटर स्पीड है उसको रखना है अराउंड 8 सेकंड्स तक, क्योंकि जब आप लॉन्ग एक्सपोजर लेते हो तो 8 सेकंड्स तक आपका कैमरा का जो शटर है वो ओपन रहेगा, और उसके सामने जितना भी मूवमेंट होगा, जितना भी लाइट उसके सामने से क्रॉस होगा, वो सब कुछ कैप्चर करेगा। सो लाइट पेंटिंग में एक स्लो शटर स्पीड बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। सेकंड, आपका एपर्चर रखना है अराउंड F22, बिकॉज जितना कम एपर्चर होगा उतना ज्यादा लाइट में डिस्टॉर्शन कम होगा। एंड द थर्ड, आपको आपका ISO जो है वो रखना है अराउंड 200-400, डिपेंड करता है आपको आपकी फोटो कितनी ब्राइट चाहिए, वाइट्स कितने वाइट्स चाहिए, ब्लैक कितने ब्लैक चाहिए, तो आप ISO आपके हिसाब से रख सकते हैं। जो आपका फ़ोन का फ्लैश लाइट है उसके ऊपर आपको बॉटल कैप्स यूज़ करने हैं, ताकि आप डिफरेंट कलर की लाइट्स क्रिएट कर सको, जैसे कि रेड, ब्लू, ग्रीन एक्सेट्रा। पूरे रूम में अंधेरा कर देना, बिकॉज लाइट पेंटिंग में छोटी सी छोटी लाइट भी कैप्चर हो जाती है कैमरा में। सो आप जितना हो सके उतना ज़्यादा अंधेरा आपके रूम में कर दे। पहले आप आपके प्रोडक्ट पे मैनुअली फोकस कर ले, देन आप शटर बटन पे क्लिक करें। उसके बाद आपको करना क्या है कि जैसे ही आप शटर बटन पे क्लिक करेंगे और जैसे ही आपका कैमरा फोटो लेना स्टार्ट करेगा, देन आपको करना क्या है, आपका जो फ्लैश लाइट है उस फ्लैश लाइट को आपके प्रोडक्ट के अराउंड ऊपर से, नीचे से, पीछे से, सब जगह से ऐसे हाईलाइट करना है। बट आपको आपका जो फ्लैश लाइट है उसको आपके प्रोडक्ट के सामने से क्रॉस नहीं करना है, क्योंकि फिर लाइट जो है वो सामने से क्रॉस हो जाएंगी और आपका जो प्रोडक्ट है वो लाइट के पीछे चले जाएंगे। आफ्टर 8 सेकंड्स जब आपका कैमरा बंद होता है, रिजल्ट्स आपके सामने, एंड रिजल्ट्स आर प्रीटी अमेजिंग, कूल, फैंटास्टिक। आप समझ गए मेरी बात। आप आपके हिसाब से अनलिमिटेड पैटर्न्स बना सकते हैं, डिफरेंट टाइप की लाइट्स यूज़ कर सकते हैं और डिफरेंट काइंड के बॉटल कैप्स यूज़ कर सकते हैं और जो भी आपको लगे। बट लाइट पेंटिंग के थ्रू आप आपका प्रोडक्ट जो है उसको काफ़ी ज़्यादा अच्छे से हाईलाइट कर सकते हैं विथ अ सिंगल लाइट, वरना प्रोडक्ट शूट में आपको की लाइट, बैक लाइट, ये लाइट, वो लाइट, फालतू लाइट, ये सब इतने सारे लाइट्स लगते हैं। तो उससे अच्छा आप लाइट पेंटिंग करो और एक ही लाइट से आप आपके प्रोडक्ट को हाईलाइट कर सकते हो। तो बस यही थी एक छोटी सी वीडियो आपके इस क्वारंटीन को क्रिएटिव बनाने की। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई होंगी तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना, और तब तक के लिए बाय बाय।